पब्लिक का पैसा ले, हमारा पैसा हमना वापस करना, या तो उन्हों पानी हमना छोड़ना।
हमेशा हमेशा पानी का प्रॉब्लम रहता है। तब देखे तब लेडीज आना घर में का आपको रोड पर ठेर था, यह हालत चली सो कैंटेबल में। क्या सीओ साहब भी, सीओ साहब भी एक बार बोले थे पानी हमेशा मिलेगा, बोल को पानी तो मिले आते। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एमएलए साहब तो हमारे एक दिन भी कैंटेनमेंट में आपको कभी झके नहीं, एमएलए साहब कभी भी, एमएलए साहब कभी एक दिन भी आपको कभी झके नहीं कैंटेनमेंट में। क्या पानी की तकलीफ हो रही है, एमएलए साहब भी एक दिन कभी आपको झके नहीं। इलेक्शन आया तो होता ही जैसे आते सब जने, हाँ इलेक्शन आया तो होता ही जैसे आते मैं सब करते। एमएलए साहब तो बाबा 5 साल हुआ क्या मैं एक दिन कभी जाके नहीं, एमएलए साहब कैंटेनमेंट तो कुछ भी कर नहीं था। कब भी देखो तो हमारी हालत खराब है, पगार नहीं मिले, ना गटर में साफ है, ना कोई कोई संग है। कब देखे तक हम लोग पगार नहीं मिली कैंटेनमेंट बोलती है, बहुत काम चले सो है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है खुद वर्कर बोलते हमको पगार नहीं मिलता, तो पब्लिक की क्या हाल होगी। वन में ये मोर्चा जो है सेकेंड टाइम निकाले, इसके पहले भी हमारी लेडीज लोग मोर्चा निकाले थे। इनका कैसा रहता, सुबह से इनको काम करना पड़ता, उसमें टाइम निकाल को ये पब्लिक बार बार नहीं आ सकती। ये सेकेंड टाइम जो है कैंटोनमेंट ऑफिस का है तो भी सीओ साहब का रिस्पांस नहीं है पब्लिक को। वो लोग बोलते हैं कि सीधा डीसी साहब पास जाओ। पब्लिक का बोलना क्या है, हम लोग टैक्स वाटर बिल इधर भरते हैं, हम डीसी सर बस क्यों जाने का, तो तुम्हारा इश्यू है तुम्हें क्लियर करो। तो पब्लिक का बोलना ये है कि पानी जल्द से जल्द रिलीज करो। ಇನ್ನು ಮಟ ಈಗವ್ರ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಇದು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೋರ್ಚಾ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡ್ತಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐತ್ರಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನೈತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು? ಮತ್ತ ಅದು ಆತ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದಾದ್ರ ಯಾ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಬರಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ. ಮತ್ತ ನಾವು ಇದು ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೀದಾ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡವ್ರಿ. ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ, ಈಗ 15 ದಿವಸ ಆತ್ ನಮ್ ನೀರಿಲ್ಲ. ಆಜ್ 3 ತಾರೀಕು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಇದರ್ ಜಮೆ ಹೈ. ये जमने का रीज़न ये है कि हमारे कैंप में पानी, लाइट और दूसरी सुविधा कुछ भी है नहीं है। पानी के लिए इतना परेशान है, आए दिन 15 दिन 20 दिन को एक बार पानी आता है इधर, और करंट का भी मसला था, आए दिन ये मसले चल रहे हैं। कैंटोनमेंट में फंड नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो इससे पहला ये चीज़ें कैसा वर्कआउट होते थे, मतलब सेठ साहब आते तो उन्होंने वो काम करा करा को देते थे। कांग्रेस गवर्नमेंट आती वो काम कर को दे रही थी, जब से अभी वो बिनके आए सो है तब से ना हमारे लाइट का मसला इन्होंने सॉल्व करे, ना पानी का मसला सॉल्व करे, ना दूसरे कुछ भी सहूलत हैं, ना इन्हों आपको झांके सो है, ना कैंटोनमेंट में आपको देखे इन्हों। देखो हमारे लोग आज कितने परेशान हैं, आज पूरा कैंप रोड पे है। ये लोगों को खाली काम, मतलब काम नहीं इनके हाथ में, इनो जो है धर्म को काम बनाने को बैठे, काम को धर्म नहीं बनाए। मेरी सबसे अपील है जो जो भी ये लोग देख रहे हैं, कैंटोनमेंट के चेयरपर्सन है, फिर हमारे कॉरपोरेशन वाले हैं, जो भी पानी के रिलेटेड जो भी चेयरपर्सन हैं, ये सब जिन्हें को हमारी रिक्वेस्ट है, कैंप के लोग पूरी पब्लिक पूरे 18,000 की आबादी सब परेशान है, हमारी रिक्वेस्ट है ये हमारी परेशानी को दूर करना और देखना लोगों के बीच में आना। जो भी अभी लीडिंग है, जो भी अभी जीत को आए सो है, उन्हों कभी आगो हमारी तकलीफ जाने से नहीं, तो हमारी रिक्वेस्ट है आना और ये क्या है सो हमारा मैटर सॉल्व करके देना। ये हम कैंप में जो है आगे 20-25 दिन से क्या पीने का पानी नहीं आ रहा है। पानी जो है बेसिक नीड है इंसान को जिंदा रखने के लिए, क्या पक्का अपना पानी की ज़रूरत है। ये कैंटोनमेंट एरिया है अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस एरिया, तो ये कभी हमारा स्ट्रीट लाइट बंद हो रहा है और कभी क्या पानी बंद हो रहा है। और अपना कैंटोनमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव सर ऑफिसर है, वो बोलते हैं कि ये हमारे कहीं फंड नहीं आ रहा है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसलिए हम लोग अब पानी नहीं दे पा रहे। लेकिन ये इनका प्रॉब्लम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, इसमें ये आम पब्लिक क्या करेंगी। ये आम पब्लिक को जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए पूरे कैंप के लोग जो है इधर पे कैंटोनमेंट में हम लोग क्या प्रोटेस्ट किए हैं। हम लोग क्या रिक्वेस्ट करेंगे बेलगाम डीसी से और अपने कमिश्नर ऑफ के पुलिस से और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से और अपना एमपी है और एमएलए है,
कैंप एरिया में एमएलए है, एमपी है, कभी एक दिन भी आके उसने क्या अपना झाका नहीं है। स्ट्रीट लाइट बंद हो रहे हैं, पूरी रात अंधेरा रह रहा है इधर। ऑफिस में आके पूछेंगे तो बोलते हैं कि उधर का के बी वालों को कैंटोनमेंट वाले ने क्या बिल नहीं भरा है। तो ऐसे प्रॉब्लम है, कैंटोनमेंट में चला है। हम लोग जो भी अथॉरिटी है उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनको जो है हमारे तरफ से एक बहुत बड़ी स्ट्रिक्ट ये है, नहीं तो हम जो है ऐसे ही खामोश बैठने वाले नहीं हैं लोग इधर के। ये एक्शन होना चाहिए, ताबड़तोब जो है स्ट्रिक्टली हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। पिछले 17 दिन से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और स्ट्रीट पे आए दिन लाइट नहीं रहती सर, तो हमारी जो यहाँ महिला है आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। पीने की पानी जो एक आम ये है सर, इंसान की ज़रूरत है, वो भी कैंटोनमेंट बोर्ड पिछले कई दिनों से पानी नहीं छोड़ रहा है सर। लास्ट 4 महीने के पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो उन्होंने ऐसे ही आश्वासन दिया सर, फिर बीच में अभी फिर बंद हो गया। तो पास 17 डेज ऑनवर्ड्स देर इज़ अ नो ड्रिंकिंग वाटर। तो हमने अभी आके CO से बात की है, तो CO क्या बोलते हैं सर, 3 करोड़ से ज़्यादा ड्यू है, पैसा भरना बाकी है, और 2 करोड़ से ज़्यादा हम लाइट बिल भरे नहीं करके ऐसे बोल रहे हैं सर। तो अभी हमारा सवाल क्या है, जब हम टैक्स सही भरते हैं, पानी का बिल हम सही भर रहे हैं सर, कैंप के हर रहवासी एटलीस्ट इन 100 अगर 90% के लोग अगर टैक्स सही भर रहे हैं, तो हम क्यों ये सफ़र करें सर। तो सर हमने CO से बात किया है, तो CO क्या बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो रही सवाल, अभी 17 दिन पानी नहीं आया और फिर 15 दिन, तो पीने के लिए पानी नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सर को निवेदन दिया है कि किसी भी हालत में आज का आज हमें पानी देना है।